मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। महिला ने जिस पति के साथ साथ जन्मा निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने कम उम्र के युवक से लड़ी तो उसने करवा चौथ के पहले ही अपने पति के लिए व्रत न रखने का वादा प्रेमी से कर लिया, जिसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। आरोप महिला ने पहले अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की 4 सितंबर को हत्या कर दी थी। अगले दिन तक उसका शव को खटिया के नीचे ही रखा। दूसरे दिन रात को प्रेमी अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से आया और उसके शव को बीच में रखकर 4 किलोमीटर दूर बड़ी डैर में बहा दिया। 6 तारीख की सुबह चिनोर थाना पुलिस को पानी में तैरते अज्ञात शव मिला। कपड़े हुलिया के आधार पर जब उसकी पहचान की गई तो पता चला कि आरोपी देवरी कला थाना बैलगड़ा निवासी परीक्षित रावत है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी और साइबर सेल को अलर्ट किया। उसके बाद पुलिस को महिला पर शक हुआ। पुलिस ने जब महिला से पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल किया। महिला ने पुलिस को बताया कि मृतक शराब का आदी था और आए दिन झगड़ा भी करता था। यही कारण है कि उसने अपने प्रेमी और एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। किस तरह का क्या मामला है, किस तरह का क्या है? ये 6-9 को 6 सितंबर को थाना चिनोर अंतर्गत नहर में एक व्यक्ति का शव मिला था और ये अज्ञात था। बाद में इसकी पहचान हुई, इसका पीएम कराया गया। पीएम में भी कुछ सस्पेक्ट आया कि ये सामान्य ड्राउनिंग का मामला नहीं है और इस पे कुछ एक दो आवेदन भी मिले। तो ये जांच, मर्ग जांच हमारी चल रही थी, इसी बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ टेक्निकल काम हुआ। तो ये जब इस पे ज़्यादा काम किया गया और पूरी मेहनत से एडिशनल एसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारी चिनोर और बैलगड़ा ने काम किया तो ये घटना का खुलासा हुआ। इसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो मृतक है इसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी और वजह ये थी कि पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था और साथ ही उसका अपने पति से झगड़ा भी होता रहता था और पति नशा करने का आदी था। तो ये इन्होंने पत्नी, प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे हत्या करने के बाद इसको नहर में डालने ले गया था, कुल 3 आरोपी इसमें बने हैं। और जो पत्नी का प्रेमी है, जो मुख्य आरोपी हम कह सकते हैं, ये एक कम उम्र का नौजवान है जिसने 12th करके अभी ITI के लिए फॉर्म वगैरह डाल रखा था। आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और इन्होंने पूछताछ से अपना आरोप जो है वो स्वीकार भी कर लिया है। अब इसमें अगला इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और अभी कुछ साक्ष्य अभी इसमें जुटाने हैं, जिसके लिए टीम काम करके और आरोपियों को रिमांड पर लेके अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर, किस तरह से थी, कितनी दूर ये लेके गए थे, कैसे लेके गए थे, क्या कहा? ये बेलगड़ा क्षेत्र में देवरी हरि सिंह का पुरा, यही है ना, हरि सिंह का पुरा करके एक जगह है जहाँ पे इनका खेत है और वहाँ पे इन्होंने प्लानिंग की और ये पैटर्न इन्होंने देख लिया था कि ये जाता है, मेहनत मजदूरी कुछ करता है, कुछ खेत में काम करता है, परंतु शाम को नशा करने का आदी है और जब इतना नशा कर लेता है कि जब ये सोता है तो अपना जूते वूते पहन के ही सो जाता है। तो उस दिन भी ये घटनाक्रम हुआ था, 4 तारीख को ये आया, काफ़ी ज़्यादा नशे में था। रात के लगभग 11 बजे इसका प्रेमी वहाँ पर आया और इन दोनों ने मिलके नशे की हालत में उसका गला घोंट दिया और पर उस वक्त उनको इसे वहाँ लाश को डिस्पोजल में या उसको ठिकाने लगाने में थोड़ी परेशानी थी। तो जिस दिन हत्या की वह पूरी रात और अगले दिन लाश घर में ही पलंग के नीचे पड़ी रही और फिर अगले दिन रात में जाके मोटरसाइकिल से एक अन्य व्यक्ति की सहायता से घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर जो बड़ी नहर कहलाती है वहाँ ले जाके इसको फेंका और ये फिर चिनोर क्षेत्र में जाके 6 सितंबर को ये बॉडी मिली और जिसपे काम करते हुए, अच्छा इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये हत्या का प्रकरण दर्ज करके और 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। ये पत्नी का कहना था कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है और काफ़ी झगड़े करता है, तो इसने बोला था अपने प्रेमी से कि भाई अब हमें इसके साथ नहीं रहना है और इसके लिए कोई तीज त्यौहार व्रत भी हमको नहीं रखना है।